लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच लोकसभा सीटों को लेकर पेच फंस गया है। लेकिन आखिर मामला कहां और क्यों फंसा है, चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने अभी तक राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान जरूर शुरू हो गया है। ऐसी खबरें हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच अपना प्रत्याशी उतारने के लिए अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी तालमेल नहीं बैठ पाया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सपा और रालोद की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सपा ने रालोद को 7 सीटें ऑफर की हैं, लेकिन रालोद इस पर सहमत नहीं है। सपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी अपना और निशान रालोद का रहने की शर्त रखी है। रालोद कैराना और बिजनौर पर तो राजी है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर पेच फंस गया है। रालोद ने ऐसी स्थिति में अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की बात रखी है। खबरें तो यहां तक की है कि सीटों के बंटवारे पर चल रहे विवाद को छोड़कर जयंत चौधरी एनडीए में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव की सूरत बदल सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर सीट ना छोड़ने के वाजिब कारण भी है, क्योंकि यहां से पिछला चुनाव रालोद के चौधरी अजीत सिंह सिर्फ 6,500 वोटों से हार गए थे। यहां उनके सामने बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान ने चुनाव लड़ा था, यानी इस सीट पर रालोद का थोड़ा बहुत दबदबा तो है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से बुढ़ाना और खतौली पर रालोद का कब्जा है। रालोद ने खतौली सीट उपचुनाव में जीती थी, इस वजह से रालोद को उम्मीद है कि इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर वो बाजी मार लेगी। इसके अलावा यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी बात बनती नहीं दिख रही है। यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ 11 सीटों से संतुष्ट नहीं है। कुछ ही दिनों पहले इंडिया गठबंधन में शामिल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस से अपनी नाराजगी जताते हुए बाहर का रास्ता पकड़ लिया था और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं, यानी इंडिया गठबंधन परेशानी में है। खैर, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, यही सवाल रालोद और सपा के गठबंधन को लेकर भी बना हुआ है। इस मामले में आगे जो भी होगा वो भी आपको बताएंगे।